मुमरा कौसा में टीबी के मरीज ढूंढने की मनपाने शुरू की मुहिम। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मशीन से डिटेक्ट किए जाएंगे टीबी के मरीज। पूर्व विपक्ष नेता अशरफ पठान ने दी जानकारी। रफी कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। पिछले कुछ अरसे से मुमरा कौसा लगातार ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के मरीज बढ़ते ही जा रहे। ये एक चिंता का भी विषय है, मगर इस विषय पर ज्यादातर किसी का ध्यान नहीं, चाहे राजनीतिक दल हो, सामाजिक संस्थाएं हो, या फिर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हो या उनके संगठन हो। बहरहाल, मगर अब टीबी डिटेक्ट करने के लिए थाने मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक मशीन लाई गई है लाखों रुपए कीमत की। इस मशीन से 7 नवंबर से ही टीबी के मरीज ढूंढने की, जांचने की या डिटेक्ट करने की मुहिम थाने मनपा के स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की है। इस पूरे प्रक्रिया को लेकर थाने मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो ये की जा रही है टीबी के मरीज, इस पर पूर्व विपक्ष नेता प्रभाग 32 के पूर्व नगर सेवक अशरफ उर्फ शानू पठान ने पूरी जानकारी दी है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ, मशीन के डेमो के साथ। देखिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरे सभी दोस्त, मेरे जितने भी पत्रकार भाई है, बहने हैं मेरी, उन सभी के माध्यम से मुमरा कौसा के शहर वासियों के लिए, शॉप वालों के लिए, घर वालों के लिए, नागरिकों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। जो टीबी है, काफ़ी तेज़ी से एक रिकॉर्ड बताया जा रहा था कि टीबी की फैलने की तादाद बढ़ रही थी, और जिसके लिए हमने हमारे हज़रत फखरुद्दीन शाह बाबा का जो टीबी केंद्र है वहाँ पे कई सालों से वहाँ पे टीबी की दवाएं भी मिलती है, वहाँ पे इलाज चालू है। थाने महानगर पालिका के डिपार्टमेंट में कई जगहों पे उनका टीबी केंद्र करके सेंट्रल गवर्नमेंट, महानगर पालिका, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कई कई जगहों पे अलग अलग मुहिम चालू है। आज से मुमरा कौसा के अंदर हम लोग, थाने महानगर का हम लोग पूरा हर जगहों पर जितने भी स्वीट्स की शॉप है उधर हम लोग टीबी जांच की शुरुआत करवा रहे, और वो भी नई टेक्नोलॉजी के साथ। आपको ये बता दें कि हमारे डिपार्टमेंट की ओर से ये कोरियन एक्सरे मशीन है, कैमरा, जिसके पर ताबड़तोड़ स्वीट की जितने भी हमारा पहले टारगेट जो है डिपार्टमेंट का, जितने भी स्वीट के दुकान हैं उनको पहले लिया जाए, ताकि दिवाली का उत्सव है, सारे स्वीट की दुकानों पे बहुत तादाद से क्राउड रहने वाला है, इसलिए जितने भी स्वीट है उनकी दुकानों को पहले आज से शुरुआत करी जा रही है। और ये नई कोरियन एक्सरे मशीन है जिसकी कीमत लगभग 30 से 35 लाख रुपए तक का पूरा सेटअप है, इसको आज से शुरुआत किया जा रहा है। आप इसको देख सकते हैं, ये है। एक आपको मैं हम लोग डेमो दिखाते, डेमो दिखाने के बाद आपके प्लेटफॉर्म के जरिए से थाने महानगर पालिका और हमारी तरफ से आजा, मैं माजी विरोधी पक्ष नेता होने के नाते शहर के सभी नागरिक और दुकानदारों से ये अपील करना चाहूँगा कि सब इसमें मदद करें, ताकि हम लोग ने बहुत बार महासभा के अंदर, हाउस के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी के साथ कंटिन्यूटी करके कि टीबी को इस मुक्त करना, इसके लिए काफ़ी ज़ोर शोर से काम चल रहा है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ आज से इसको शुरुआत की जा रही है। मुमरा कौसा के सभी शॉप वालों के साथ इसका चालू किया जाए जांच। आपके जरिए हम ये चाहते हैं कि लोग सहयोग करें डिपार्टमेंट, ताकि उन्हें ये नहीं मालूम पड़े कि कुछ के क्या है, ठीक है, बाकी सब महानगर पालिका के डिपार्टमेंट कर्मचारी हैं, डिपार्टमेंट रहेंगे, लेकिन हम लोग आपके प्लेटफॉर्म के जरिए से लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि इसमें आगे आए, ताकि हमारा मुमरा कौसा टीबी मुक्त हो सके। अभी फिलहाल हम स्वीट से ये शुरुआत करवा रहे, और बाद में हम इसकी शुरुआत केक शॉप से और फिर कैंप लगा के भी करेंगे, और आपके जरिए एक डेमो दिखा रहे कि इसको ताबड़तोड़ कैसे डेमो के जरिए बता सके कि भाई है कि नहीं टीबी, वो बताएंगे। वो कहें ऐसे मजे कुटे जाना खड़ा पेपर को भाई, नए पेपर नहीं है, दो ना इनको पेपर।
ये सेंटर में करना है बराबर। ओके सर, ये कोरियन मशीन है, ये कॉइन होने की वजह से देखो कॉइन भी दिख रहा है। अभी तो रिपोर्ट क्या आया? बहुत जोर शोर से मुहिम का काम शुरू किया है, तो आपके जरिए यही हम लोग खास तौर से बताना चाहते हैं कि हमारे नागरिक इसमें पूरा सहयोग करें। आज से हम लोग इसकी मुमरा कौसा के अंदर शुरुआत करें और पूरे मुमरा कौसा के अंदर जगह जगह पे हम लोग इसका कैंप लगाने वाले, ताकि मुमरा कौसा के नागरिक, मुमरा कौसा की जनता लोग इससे टीबी मुक्त हो सके। शानू भाई, कुछ पैसे वगैरह भी लिए जाएंगे, फ्री में किया जाएगा? एक रुपये पूरा मुफ्त, फ्री, पूरा फ्री में। ये मुहिम है, इसके लिए पूरे मुमरा कौसा के नाम से शुरुआत करेंगे और जहाँ जहाँ हमको मुमरा, अमृत नगर, कौसा, इस सारे जगह हम लोग कैंप भी लगाने। शानू भाई, आपने बोला लाइव डेमो दिया जाएगा, पर रिपोर्ट एक दिन बाद दी जाएगी, तो कैसा मालूम पड़ेगा उसको बीमारी है तो उसका इलाज कैसे? इसका रिपोर्ट रेडी हो गया है, यहाँ पे देखेंगे आप, रिपोर्ट रेडी है, इसकी सिर्फ प्रिंट निकलने वक्त है। प्रिंट निकल के डायरेक्ट चेस्ट फिजिशियन जगह पे देखेंगे और आपको रिपोर्ट बता देंगे कि इसका रिपोर्ट निगेटिव आया पॉजिटिव है। अगर रिपोर्ट भी निकलती है तो उसका चार्ज, तो आगे की जाँच उस बलगम का जाँच करेंगे। उसकी भी मशीन अपने पास है, शिवाजी हॉस्पिटल में है, छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में है, वाड़िया में है, उसमें बलगम की जाँच भी करेंगे, बलगम की जाँच भी वहीं पर हम लोग करेंगे। और आगे उसको दवाई की जरूरत पड़ी तो तुरंत दवाई भी फ्री यहाँ पे टीबी के डिपार्टमेंट में, जो भी पेशेंट आएगा, जो भी सस्पेक्ट आएगा, उसका टीबी का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एक भी रुपया लिया जाता नहीं, या कि उसका केस पेपर का पैसा भी 5 रुपया 10 रुपये वो भी लिया जाता नहीं। सर मेरे को आपसे एक बात बताओ, हमारी सोनोग्राफी की मशीन रहती है, सोनोग्राफी की मशीन जब करने के बाद उसके जो सर्जन रहते वो लिखित में उसके बाद बताते कि उसके ऊपर रिपोर्ट में क्या है। ये मशीन है, इसके ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट के जो चीफ स्पेशल है वो साथ में रहेंगे, जैसे ही डिटेक्ट हो रहा है क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ताबड़तोब उसके तरीके से अगर दिखाता है तो फिर तो उसके बाद थूक टेस्ट करेंगे और उसके बाद उनके दवा का प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। लेकिन मुमरा कौसा के अंदर हैंड टू हैंड जगह पे जाके ये करने की काम पहली बार शुरू किया जा रहा है और खासतौर से महाराष्ट्र में ये पहली बार, ये पहली मशीन महाराष्ट्र में पहली मशीन है थाने मानकर पड़ी है और इसके लिए मुमरा में आज से शुरुआत की जा रही है। तो आज से इंशाल्लाह ताला हम इसकी सबको शुरुआत करें, आप सभी लोगों से जन जागरूक करने के लिए लोगों से खास तौर से इसमें कॉपरेशन करें, कॉपरेट करें, इसी नहीं किया जा रहा है और इसका कैंप हर जगह लगाया जाएगा। शानू भाई, कैंप तो लग रहे हैं लेकिन जैसे कहा कि शिवाजी और वाड़िया में जांच हो, तो जो हमारा MMLE का हॉस्पिटल है हकीम अजमल खान, उसमें कोई कक्ष नहीं बन सकता इसका? एक बात बोल दो, हकीम अजमल खान के अंदर बहुत सारा, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वो काफ़ी चीज़ें उसमें यूज़ नहीं आ रही। और एक बात आपको मैं बता दूं, बहुत सारी चीज़ें महानगर पालिका की ओर से प्रोवाइड नहीं की जा रही हॉस्पिटल में, कई दिक्कत हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके लिए अभी जो मेन प्लेटफॉर्म था महासभा, वो बॉडी नहीं है, महानगर पालिका की बॉडी नहीं है, लोग कॉरपोरेटर लोगों की मांग रख सके ऐसा नहीं हो पाया, इन फ्यूचर होगी उसकी, इन फ्यूचर होगी। एक सवाल मेरा है, आपने जो हेल्थ डिपार्टमेंट में यहाँ पर जो है टीबी के टेस्ट का चालू किया है और कम से कम मेरे ख्याल से तो दिन में आपके यहाँ कम से कम 50 से 60 लोग पेशेंट वहाँ पर आते हैं, वहाँ की जो है एक्सरे मशीन का जो है वो बारिश में पानी जाने की वजह से वो खराब हो गई, तो फिर हमको जो है एक्सरे के लिए कौसा डायग्नोस्टिक सेंटर भेजा जाता है, तो उस मशीन को कब तक काम बनाएंगे? डिपार्टमेंट से नहीं, फिर उसके बारे में जानकारी नहीं है, ये है ना, मगर ये है वहाँ पर काम करते, ये काम करते, उनके बारे में उसको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उनके बारे में अपने को जानकारी जो रहेगी, ये विचार, ये जो ये डिपार्टमेंट हैंड एक्सरे मशीन के डिपार्टमेंट उनके हाथ में दिया है, नहीं ये है वहाँ पर, वो हिमांगी मैडम बता रहे, वो नहीं बता पाए। शानू भाई, ऐसे डॉक्टर हिमांगी के अलावा, डॉक्टर हिमांगी के अलावा कोई भी उसके बारे में जानकारी नहीं देती। हम लोग पहले, आज जो नई शुरुआत महाराष्ट्र में पहली बार थाना में हुई और उसके बाद मुमरा में आज की जा रही है, हमें उसका स्वागत कर रहे हैं और इसके लिए बहुत जद्दोजहद की हम लोग, हर इसमें जाके खुद पर्सनली किया जाएगा। मान ये कि हम डायरेक्ट महानगर पालिका के अधिकारी को खुद डायरेक्ट टू डायरेक्ट भेज रहे हैं,
हर शॉप्स के अंदर, मिठाई की शॉप के अंदर, केक के शॉप के अंदर, और फिर उसके बाद कैंप लगाएंगे। देखिए आप सोचिए कि हमारे हम लोग कितने आगे तक मांगनी को करके आगे तक पहुंच रहे कि लोग अब हॉस्पिटल में नहीं जाए, हम उनके पास जा रहे हैं, ये भी तो बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ के ऊपर अच्छे कामों की शुरुआत की जाती है और मेहनत करके उसको काफी हद तक हम खत्म कर सकते हैं। बहुत सारी के बारे में शॉप और उसमें मिठाई की स्वीट्स की दुकानों में जाएगा, मगर घरों में भी कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको टीबी हो गई है। इसीलिए हम लोग कैंप लगाने वाले, इसीलिए हम लोग कैंप लगा रहे हैं मुमरा, कौसा, अमृत नगर, इन जगहों पे कैंप लगा के ताबड़तो बिस्कुट एक्सरे मशीन के जरिए उनको करा के डिटेक्ट, सर्जन को बुला के डिटेक्ट करा जाएगा और इंशाल्लाह ताला उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनके आगे की दवाएं दी जाएगी। शानू भाई कब से कैंप चालू होगा ये? आज से आपको बुलाया इसी वजह से, आज से इसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और आपसे पूरे जगह पे हम लोग शुरुआत करने वाले और बड़े बड़े कैंप महीने में दो बार लगेंगे। शानू भाई जैसा कि आपने बताया कि हर शॉप में जाएगा तो शॉप वाले को डर भी लगा रहेगा कि उनके शॉप से कहीं पेशेंट मिलता है तो उनकी शॉप सील तो नहीं हो जाएगी। नहीं, इससे शॉप का कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग, ये हमारी पहल है कि शॉप का बंदा टीबी कैरियर करके दूसरे को ना दे, उसे वहां पे हमको रोकना। शॉप का इससे कोई ताल्लुक नहीं, बंदे को टीबी है, अगर वो नहीं अगर इलाज कराएगा तो वो अपने फैमिली को देगा, फिर वो समाज में देगा। हमको बंदे को डिटेक्ट करना है, शॉप को हमारे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा कोई शॉप नहीं। हम लोग यहाँ पे मैन पावर, मैन को और वुमेन जो शॉप सेलमैन है उनके ऊपर हमारा टारगेट है, ताकि वो कैरियर करके अपनी फैमिली को ना दे, ताकि वो कैरियर करके अपने मुमरा कौसा को ना दे। शॉप का इससे कोई लेना देना नहीं, आपको क्लियर बता देते। जिसको रिटायर हुआ उनको इलाज के लिए भेजा जाएगा, अगर वो साहिब माल है तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके अपना इलाज करा सकते हैं तो वो अपने करा, नहीं तो हम महानगर पालिका की ओर से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा के देंगे। थाने महानगर पालिका की तरफ से ऐसे कितने मशीन मुमरा के लिए दिए जाए? अभी ये पहली मशीन है, आपको बता रहा, थाने महानगर पालिका नहीं, महाराष्ट्र में पहली मशीन, ये महाराष्ट्र की पहली मशीन।